हेलो एवरीवन, आज हम आकलन कार्य पत्र चार करेंगे। विज्ञान का क्लास सिक्स का 29 सितंबर का। तो बच्चों, ये जो हमारा आकलन कार्य पत्र है ये 20 अंक का है और इसमें तीन तरह के प्रश्न हैं। पहले दो दो अंक के हमारे 6 छोटे प्रश्न हैं, लघु उत्तर, और उसके बाद आपका एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, 3 पार्ट है उसके, और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्न करते हैं जो कि 12 नंबर के हैं। पहला, हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन में प्रमुख पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज और वसा तथा प्रोटीन है। भोजन में अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ क्यों चाहिए? भोजन में विभिन्न प्रकार के भोजन में खाद्य पदार्थ होने चाहिए क्योंकि प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, इसलिए हमें विभिन्न प्रकार का भोजन करना पड़ता है। अब आगे, अगर कोई भी खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है तो खाने में कौन सा पोषक तत्व मौजूद है? तो अगर ऐसा हो तो भोजन नीला काला रंग देता है तो उसमें स्टार्च नहीं होता है और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। उसमें स्टार्च होता है तो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। अब रेशे क्या होते हैं? आपको बताना, रेशे क्या होते हैं? रेशों का मुख्य कार्य, तो जो रेशे हैं हमारे, ये जो होते हैं, ये हमारे कुछ भोजन में ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे पचाया नहीं जा सकता। ये भोजन और अपशिष्ट पदार्थ को थोक प्रदान करते हैं ताकि वे आंत में घूमे और उसमें उत्सर्जित हो चुके और जो बचा हुआ मटेरियल है खराब वो बाहर निकल जाए शरीर से। अब वसा क्या है? कुछ वसा युक्त पदार्थों का नाम लिखिए। तो वसा का फैटी एसिड भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में लिपिड, वसा, मक्खन, मांस आदि, इनमें ये सब मिलते हैं। अब आगे, हमारे शरीर में पानी के कार्य लिखें। तो हमारे शरीर में पानी के कार्य जो है वह पसीने के माध्यम से शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, शैल्मिक झिल्लियों को नम करने, जैसे कि ये फेफड़े और मुंह के जोड़ों और कुशन जोड़ों को चिकनाई देते हैं, मूत्राशय को बैक्टीरिया से मुक्त रखकर सिस्टिटिस के जोखिम को कम करते हैं। अब आगे प्रश्नों के उत्तर देने, यहाँ पे आपको पोषक तत्व लिखना है। तो ये 3 अंक का है। हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों के नाम लिखें। तो कार्बोहाइड्रेट, अब वो पोषक तत्व जो हमारे शरीर के विकास और रख रखाव के लिए आवश्यक है, तो ये है हमारे प्रोटीन। हमारी हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक खनिज का नाम लिखें, कैल्शियम। अब आगे, एक जो संतुलित आहार को परिभाषित करना है, जो व्यक्ति केवल चावल और दाल खाता है उसका क्या होता है, और कुछ आहार योजना की सलाह दें। एक आहार जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन होते हैं और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्ति होती है, उन्हें कहा जाता है एक संतुलित आहार। यदि कोई व्यक्ति आहार में केवल दाल चावल खाता जाएगा तो वह उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि अब उसको बाकी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे जिनसे उनकी कमी हो सकती है। लेकिन दाल और चावल खाने से उन्हें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब मिलते हैं जिनसे उनका जो आहार है वो संतुलन हो जाता है, तो इसको कहा जाता है संतुलित आहार। तो ये 5 नंबर का आंसर है, तो आप ये सब लिखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट असाइनमेंट, नेक्स्ट आकलन पत्र के साथ। तब तक के लिए बाय।